कहाँ गया नोट सेवन? जी कम होना चाहिए नोट सेवन, नीले नीले दो फ़ोन हैं। तो ये रहा आपका नोट सेवन, आपके फ़ोन हम साइड में करते हैं। तो वो कुछ फ़ोन थे जो मैं बैग में रखे चल रहा था, कुछ कैमरा कंपेरिजन वर्क कर रहा हूँ। एनीवे गाइस, ये पार्ट टू है रेडमी नोट सेवन की एक्सेसरीज़ का। जैसे आज मतलब आज कितनी तारीख, आज 11 तारीख है, फ़ोन लॉन्च हुआ है दो तीन दिन पहले, तो मतलब शॉक हो जाते हैं, क्या अभी नोट सेवन लेटेस्ट वाला डिस्प्ले टूट गया? अभी तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इससे आप ये सबक लीजिए कि फ़ोन में अच्छा प्रोटेक्शन लगाइए। तो हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि फ़ोन कितना जल्दी ब्रेक हो सकता है। ऑब्वियसली फ़ोन ब्रेक हो सकता है, लेकिन कितना जल्दी ब्रेक हो सकता है? पोको फ़ोन F1, रेडमी नोट 6 प्रो, देन आफ्टर दैट रेडमी नोट 7, कोई भी गोरिल्ला ग्लास हो, फ़ोन ब्रेक हो जाते हैं। तो पार्ट वन में हमने अच्छे टेम्पर ग्लासेस देखे थे जो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के मैंने कवर किए थे, कोई बेस्ट ब्रांड तो नहीं है लेकिन फिर भी वाइड वैरायटी कवर की। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बारी है पार्ट टू में कुछ केसेस देखने की। तो इतने सारे केसेस हैं और मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, इन सभी केसेस जो भी हम देख रहे हैं, कोई भी केस आपका ऑफिशियली ड्रॉप प्रूफ नहीं है। मतलब कि MIL 810G का सर्टिफिकेशन होता है, जैसे पास मैंने आपको दिखाया है रिंकी के केसेस में यूज़ करता हूँ, तो वो अभी तो नोट 7 के लिए या 7 प्रो के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो भी केस और एक्सेसरीज मैं दिखा रहा हूँ वो आपकी दोनों 7 और 7 प्रो के लिए अप्लीकेबल होगी, क्योंकि दोनों फ़ोन के डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है। तो मैंने कोशिश की है आपको हार्ड केस ऑर्डर करके दिखाने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ग्लास है और टेम्पर ग्लास मैंने फुल स्क्रीन लगाया है, तो देखते हैं ये भी आपके फ़ोन में लग सकता है नहीं लग सकता है। तो फील्स नाइस, ये केस मोबाइल का कुछ है, आई डोंट नो। तो ये थोड़ा सा हार्ड है और अंदर सॉफ्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये आपका ग्लास है तो थोड़ा सा हेल्प मिलना चाहिए। देखते हैं फिट होता है नहीं होता है। तो ये सभी आपके 7 प्रो पे फिट हो जाएंगे, फिट्स फाइन, देख सकते हैं टेम्पर ग्लास से ईजली इससे कवर हो जा रहा है। थोड़ा सा ये बाहर भी है, पोर्ट्स आपके ओपन हैं, बटन्स थोड़े से हार्ड हो जा रहे हैं और फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा अंदर है, क्योंकि ये केस थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि कैमरा लेंस में बम बहुत ज़्यादा है, तो बचाने के लिए आपको ये थोड़ा सा अंदर किया गया, मतलब मोटा केस बनाया गया है, थोड़ा सा वेट बढ़ा दे रहा है, लेकिन गुड थिंग है आपका स्पीकर का ईयरपीस का प्रॉपर कटआउट है, सेंसर जो है प्रॉपरली ओपन है, बटन से आपका बचा लेना चाहिए, थोड़ा सा ये हार्ड टाइप का केस है। ओवरऑल नाइस है बट फ़ोन थोड़ा सा हैवी हो गया, मैं पहले बता दूँ। तो अब हम इस केस को ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है तो ये इसी ब्लैक का आपका रेड है, दो कलर वेरिएंट हैं, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है, और भी कुछ कलर्स अवेलेबल हैं या तो मुझे ध्यान है, तो सभी चीज़ ठीक है। ओनली प्रॉब्लम मुझे वही लग रही है कि ये थोड़ा सा आपका हैवी हो गया सम हाउ, आई डोंट नो, मतलब जैसे कि ये काफ़ी लाइट वेट है, पटाखा में यूज़ करता हूँ, बाकी ठीक है, ऑल ऑन प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, टेम्परेचर लगाने के बाद भी एडजस्ट से बाहर है। तो ये डिफरेंट कलर है, उससे ही 45 केस का निकालने में भी ईजी है, कोई इश्यूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट केस है थोड़ा सा ये अलग डिज़ाइन का है, OnePlus 6T, बट यहाँ पे नोट 7 लिखा है, नोट 7 प्रो के लिए भी चलना चाहिए। ये ट्राई करते हैं, ये थोड़ा सा लाइट वेट फील हो रहा है कंपेयर टू दोनों केसेस के, तो हाँ ये थोड़ा सा लाइट वेट है, इसमें कोई इश्यूज नहीं दिख रही है। ऑल ऑन ये सील्ड है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ओपन था, फिर भी देखते हैं फिट होता है नहीं होता है। ओके गुड, तो ग्लास आपका ओपन है, बाहर है, गिरने पे टेम्पर ग्लास टूट सकता है, बट फ़ोन हो सकता है बच जाए। बाकी यहाँ पे सील है और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ये दिया जा रहा है, अगर आप ये सोच रहे होंगे क्या है, तो ये आपकी ऐसे आपको स्ट्राइप लगा सकते हैं, जैसे रिंकी का स्ट्राइप है, यहाँ पे लगा के आप ऐसे हैंग कर सकते हैं फ़ोन को, ऐसे ऐसे हैंग सा कर जाएगा। तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट वेट है, बट ये कि थोड़ा सा टेम्पर ग्लास बाहर है, फिर भी आपका फ़ोन बच जाएगा गिर जाएगा, तो ग्लास आप चेंज कर सकते हैं। फीलिंग थोड़ी सी आपकी सॉफ्ट कपड़े की है, 45 काफ़ी लाइट वेट है इससे, और हर चीज़ प्रॉपर है, आप देख सकते हैं प्रॉपर डिज़ाइन है, बटन्स भी लाइट वेट हैं, जिसमें यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा थे, मतलब यहाँ पर भी मतलब कट नहीं है, प्रॉपरली इसमें फिट है, तो कोई डस्ट यहाँ से भी नहीं जाएगा। ओवरऑल ये केस अच्छा लग रहा है, कोई कलर चॉइस तो देख लीजिएगा, लेकिन टेम्पर ग्लास आपका बाहर है तो शायद ये बचा ना पाए। केपर हम लास्ट में देखते हैं, फिलहाल हम चलिए देखते हैं एक फ्लिप केस ये कैसा दिखता है। सो कोई मैनुअल की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है? ओके, कुछ नई चीज़ है क्या? एक्चुअली ये इस तरीके का है कि आप इसमें इसको परमानेंटली फ़ोन को फिक्स कर लें, ये आप जैसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये ग्लू है, ये नया स्टाइल है, देखिए ये ग्लू में आपका फ़ोन हो जाएगा फिक्स,
तो ये आ गया और ये फिक्स। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया है इसमें, काफ़ी बड़ा है, मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है, देखिए बहुत ही बड़ा हो गया है, प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं बनाया इसका, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है इंस्टेड ऑफ एक हार्ड चीज लगाने के, लेकिन काफ़ी बड़ा है और मैगनेट भी इसका लूज़ है। तो फिलहाल ये फ्लिप केस तो रिकमेंडेड नहीं है, गोल्डन सैंड केस ट्राई करते हैं। इसके भी केस मतलब पॉपुलर हैं, ऐसा कोई खास यूनिक डिफरेंट नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छा यूनिक केस होता है, बट है, नाम सुना हुआ है। ये सब आपके स्पीगन के स्टाइल के कॉपीड हैं जो आपके आते हैं उसमें, तो ये भी ठीक है, हल्का सा बाहर है, होपफुली बचा लेगा। लुक वही सब देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, प्रॉपर पोर्ट्स कट आउट हैं, बटन्स के लिए यहाँ पे गैप्स है, तो यहाँ पे एयर आपके मतलब डस्ट इकट्ठा हो जाएगा समय के साथ पॉकेट में डालते डालते, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा होता है कि ये पूरा सील्ड रहे, और थोड़ा सा स्प्लैश रेजिस्टेंस भी हो जाता है गलती से अगर आपका पानी आ जाए यहाँ पे, क्लिक ही साउंड है, क्लिक 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 ऐसे हो रहा है। तो थोड़ा सा ये लूज़ टाइप का लग रहा है, मतलब देखिए हल्का सा लूज़ है ये, मतलब इसमें ऐसा नहीं लग रहा था, दूसरे केसेस में काफ़ी हार्ड लग रहा था। आइदर वे ये केस आप लगा सकते हैं, डिफरेंट कलर से मिल जाएंगे, चॉइस इज़ योर्स, गोल्डन सैंड में भी है। अब ये MTT ब्रांड है, तो ऑनेस्टली गाइस मैं इनके केस काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं ट्राई करता हूँ जब भी केसेस सर्च करता हूँ तो मैं कुछ ब्रांड्स प्रेफर करता हूँ अगर मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अभी तक कुछ केसेस पड़े हैं जो काम कर रहे हैं, तो समहाउ मैं प्रेफर करता हूँ अगर ऐसा कोई ब्रांड मुझे मिल जाए तो। ये भी वैसा ही है, गोल्डन सैंड जैसा, ये देखिए, और ये इसमें आ गया, थोड़ा सा इन्होंने टाइट बनाया, देखिए हल्का सा ये बाहर हो जा रहा है, मे बी ग्लास के साथ कंपैटिबल तो दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा टाइट है, तो फिनिशिंग इस केस की उतनी प्रॉपर नहीं है, तो ये केस फिटिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन आपको लुक ठीक लग रहा हो तो आप देख सकते हैं, बटन्स में कोई गैप नहीं है, मतलब कटआउट सेपरेट नहीं है, बाकी जी काम कर रही है, यहाँ पे भी प्रॉपर कट्स हैं, तो ठीक है। तो आइदर वे इस केस को मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी फिटिंग ठीक नहीं है थोड़ा सा, हाँ देखिए टेम्पर ग्लास से फिट नहीं था, यहाँ पे जैसे ये देखिए एयर गैप आ जा रहा है। फुल स्क्रीन ग्लास अगर आप लगाते हैं तो ये MTT का केस आपके पे नहीं करेगा, अगर आप नॉर्मल ग्लास लगाते हैं जो नॉन फुल स्क्रीन होता है तो शायद काम कर जाए। एक और MTT का केस है, देखते हैं ये कैसा है, ये कुछ इनका मार्वल डिज़ाइन का केस होता है, जैसे ये देखिए स्टैंडर्ड आपको बॉक्स में जो मिलता है वो भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें क्या है ऐसे एयर गैप्स नहीं है, तो ये डिफरेंट डिज़ाइन होता है। तो इसमें देखिए बेनिफिट, देखिए पहली चीज़ तो ये चारों एजेस से उठे होते हैं, तो ये आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, देखिए सभी बाहर है यहाँ पे, तो अच्छी चीज़ है, बाकी गिरेगा ऐसे तो ये बचा लेगा यहाँ पे क्योंकि फ़ोन से ये टकरा नहीं रहा है, बाकी आपको ये कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत सारे डिज़ाइन टेक्सचर होते हैं, तो जो भी आप लेना चाहें। तो फिलहाल ये आपके आयरन मैन का है, रेडिश होता तो और अच्छा लगता, हर चीज़ प्रॉपर है, बटन भी आपके सही काम कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रांसपेरेंट केस चाहते हैं तो कुछ ऐसा लगा सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। लास्ट केस जो बचा है वो है केपवर, ये ट्राई करते हैं ये कैसा है, तो ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए। फ़िलहाल हमने पास्ट में देखा है ऐसा जिसमें भी कोई क्लेम नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रॉप प्रूफ लिखते हैं, आप ट्रस्ट मत करिएगा जब तक आप MIL 810G सर्टिफिकेशन ना देख लें। वैसे लुक वाइज ये केस थोड़ा सॉलिड होता है, देखिए ये लगाए ऐसे, टेम्पर ग्लास से भी फिट प्रॉपरली और प्रॉपर डिज़ाइन बना है, कोई ऐसा नहीं कि डिज़ाइन फ्लॉ, तो ये भी थोड़ा सा हैवी है डेफिनेटली, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, और फिंगरप्रिंट बहुत अंदर हो जाता है इसमें, देखिए जैसे मतलब जैसे लग रहा है ना कि कहाँ पे खोजना पड़ रहा है कहाँ है, और प्रोट्यूशन है, काम भर का है, कोई इशू नहीं है, बटन्स में इसमें डिफरेंट कट है, ट्रस्ट इकट्ठा हो सकता है, ये चीज़ें बता दूँ पहले, बाकी ये चीज़ आपके फ़ोन में ठीक फिट हो रही है, तो केपर भी रिकमेंडेड है, लेकिन थोड़ा सा ये सॉलिड सा फील हो रहा है, तो ये काफ़ी हल्का फील हो रहा था, ये काफ़ी सॉलिड, तो मुझे तो बस यही है पसंद आ रहा है ये डिज़ाइन देख के, मतलब लाइट वेट है, फ़ोन प्रोटेक्ट कर लेगा, बाकी आप स्लिम से डिज़ाइन मिल रहे हैं। तो ये रहे गाइस 8 केसेज हमने देखे हैं, कुछ इसमें से रिकमेंडेड नहीं है, जैसे कि ये फ्लिप केस काफ़ी बड़ा है तो ये आप मत लीजिएगा, फिर भी मैं इसके लिंक लिख दूंगा, और MTT का ये केस ठीक है लेकिन अब फिनिशिंग उतनी प्रॉपर नहीं है, तो इसको भी आप काट सकते हैं क्योंकि फुल स्क्रीन ग्लास से काम नहीं कर रहा, अगर आप नॉर्मल ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो शायद वहाँ पे काम कर जाए, और ये सभी ठीक हैं। तो सबसे बेस्ट जो लग रहा है मुझे तो केपर लग रहा है, पहले भी मैंने देखा हैवी बना देता है फ़ोन को, 45 केस भी ठीक है, ओवरऑल प्रोटेक्शन अच्छा है, अगर आपको ऐसा लुक चाहिए
डिफरेंट कलर चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये एजस्ट से उभरे हुए थे तो भी सेफ थे, इसमें एजस्ट से मतलब कोई चीज़ बाहर नहीं थी तो ड्रॉप में हो सकता है ये चीज़ ना बचा पे, लेकिन ये सबसे लाइट वेट है और फीलिंग भी अच्छी है, क्लॉथ की फिनिशिंग है, ये सब देख सकते हैं। गोल्डन सैंड हमने देखा है, वो भी देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कोई और अच्छे केसेस आप जानते हैं जो हमें ट्राई करना चाहिए तो पार्ट 3 और आने वाले पार्ट्स में उसको कवर करेंगे, तो आप ट्विटर पर लिंक भेज सकते हैं, यूट्यूब में वो स्पैम में चला जाता है। और जैसे ही कोई अच्छे ड्रॉप प्रूफ केस आते हैं मैं उनको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एनीवे गाइस, ये थे कुछ एक्सेसरीज़ रेडमी नोट 7 और 7 प्रो के लिए। स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर वीडियोज़। मेरा नाम सौरभ है, नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।